अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले इन पांच खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, मिल गई T20 वर्ल्ड कप की टीम में एंट्री। किसी को आने वाले टाइम का युवराज कहा जा रहा है तो किसी को सहवाग। BCCI ने भी इन पांडवों के ऊपर लगा दी अपनी मुहर, कोहली ने भी किया सलाम। एक ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर, दो बल्लेबाज और एक गेंदबाज को मिल गई वर्ल्ड कप की टीम में डायरेक्ट एंट्री। फूट फूट कर रोने लगे पांड्या और शुभमन गिल। वह कौन से पांच खिलाड़ी हैं जिनका टीम इंडिया में प्रमोशन होने वाला है, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिल चुकी है। BCCI भी इन पांचों खिलाड़ियों की फैन हो चुकी है। खुद BCCI के सचिव जयशाह ने सामने आकर बोला है कि इन पांचों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की टीम में जरूर चुना जाएगा। इनमें से किसी खिलाड़ी ने घमंडी हार्दिक पांड्या के करियर को बर्बाद करने का काम किया है तो किसी ने शुभमन गिल को 440 बोल्ट का तगड़ा वाला झटका दिया है तो किसी खिलाड़ी ने तो ईशान किशन को डिप्रेशन में ही डाल दिया है। अब आप लोगों से भी इंतजार नहीं हो रहा होगा आखिर वह पांच खिलाड़ी कौन है जिनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में करी जा रही है। चलिए ज्यादा बकचोदी ना करते हुए एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। बाएं हाथ के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पिछले साल ही अपना T20 में डेब्यू किया था और तब से ही लगातार विस्फोटक अंदाज में टीम इंडिया को शुरुआत देते हुए चले आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यशस्वी जायसवाल पिछले वर्ल्ड कप के ओपनरों से सबसे अलग बेखौफ अंदाज में पावर प्ले में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच में जायसवाल ने सिर्फ 34 गेंदों में 68 रन ठोक डाले थे। ओवरऑल डेब्यू से अभी तक 15 T20 पारियों में जायसवाल ने 163 के शानदार विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 498 रन बना चुके हैं। खबर है कि यशस्वी जायसवाल को T20 के वर्ल्ड कप में जरूर चुना जाएगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर नाम आता है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह अब किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। रिंकू सिंह अपने शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में एक खास जगह बना चुके हैं। पिछले दो IPL सीजन में अपनी छाप छोड़ने के बाद से ही रिंकू सिंह सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी रहे हैं टीम इंडिया में। पिछले साल आयरलैंड दौरे पर उन्होंने अपना T20 में डेब्यू किया था और तब से अभी तक दिखा दिया है कि जैसा वो IPL में खेल रहे हैं वैसा ही वो इंटरनेशनल में भी खेलते रहेंगे। रिंकू ने अभी तक दोस्तों सिर्फ 10 T20 के करियर में 71 की शानदार औसत और 176 के शानदार स्ट्राइक रेट से 287 रन बना चुके हैं। इन 10 में से 6 बार तो रिंकू सिंह नॉट आउट लौटे हैं, मतलब कि रिंकू सिंह को ज़्यादा बल्लेबाजी के मौके नहीं दिए जा रहे हैं। जब जब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा मौके मिलते हैं तो रिंकू सिंह अपने आप को पूरी तरह से साबित कर देते हैं और टीम इंडिया को मैच जिता कर ही वापस लौटते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है रवि बिश्नोई का। टीम इंडिया ने पिछले दो T20 वर्ल्ड कप में लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया है। हमेशा चहल के स्थान पर रवि बिश्नोई को टीम इंडिया में खेलने के लिए मौका दिया जाता है। 2021 में वो स्क्वाड में भी नहीं थे और 2022 में स्क्वाड में रहकर भी खेल नहीं पाए थे। अब वो टीम इंडिया का हिस्सा भी नहीं रहे हैं क्योंकि लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने उनकी जगह पूरी तरह से ले चुके हैं। दोस्तों रवि बिश्नोई ने पिछले 3-4 महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवि बिश्नोई ने T20 सीरीज में 9 विकेट लेकर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ भी रवि बिश्नोई का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है। ऐसे में चहल के रिप्लेसमेंट के तौर पर रवि बिश्नोई को टिकट मिल गया है T20 वर्ल्ड कप की टीम में। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है जितेश शर्मा का। करीब एक साल पहले ऋषभ पंत, KL राहुल, संजू सैमसन और ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज की रेस में थे। फिर पिछले साल ईशान किशन और सैमसन के बीच काफ़ी ज़्यादा रेस थी जिसमें ईशान किशन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे। अब अचानक पिछले 2 महीनों में जितेश शर्मा इसमें सबसे आगे निकल गए हैं। विदर्भ के इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने नवंबर 2023 में अपना डेब्यू किया था टीम इंडिया में और एक फिनिशर के रूप में पहचान बना ली है। जितेश ने 9 मैचों में सिर्फ 100 रन बनाए हैं लेकिन ये 147 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से ईशान किशन के लिए दरवाजे पूरी तरह से टीम इंडिया में बंद होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जितेश शर्मा को फिनिशर विकेट कीपर के रूप में अहम साबित होंगे। उनका टिकट भी वर्ल्ड कप की टीम में लगभग पक्का हो गया है। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है IPL में CSK की तरफ से तूफान खड़ा करने वाले शिवम दुबे का। अगर जितेश शर्मा की एंट्री चौंकाने वाली है तो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला केस शिवम दुबे का है। टीम इंडिया से करीब 3 साल बाहर रहने के बाद 30 साल के इस ऑलराउंडर का IPL 2023 में CSK के लिए जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। शिवम दुबे को अफगानिस्तान के खिलाफ मौका दिया गया
और दुबे ने इसे बहुत अच्छे से बुनाया और लगातार 2 अर्धशतक जमाकर अपनी दावेदारी भी पेश कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवम दुबे को T20 के वर्ल्ड कप में जरूर चुना जाएगा अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं तो। इन 5 खिलाड़ियों में दोस्तों किसी ने हार्दिक पांड्या के करियर को बर्बाद कर दिया है तो किसी ने शुभमन गिल की जगह ले लिया। यशस्वी जायसवाल ऐसा लग रहा है कि T20 के मैचों में शुभमन गिल की जगह को पूरी तरह से खा चुके हैं, तो वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या इसी तरह से हमेशा चोटिल होते रहेंगे, घायल होते रहेंगे, तो हार्दिक पांड्या के जगह पर शिवम दुबे को परमानेंट टीम इंडिया में जगह दिया जा सकता है, क्योंकि शिवम दुबे भी बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छे से करना जानते हैं और लंबे लंबे छक्के भी जड़ते हैं। आने वाले टाइम का शिवम दुबे को युवराज सिंह भी बताया जा रहा है, तो वहीं पर यूजी चहल की जगह पर अभी बिश्नोई को भी मौका दिया गया है। खैर, आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।